नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीटी में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और आज हम देखेंगे 8 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, साथ में देखेंगे इससे रिलेटेड जीके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीटी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 6 जून को कौन सा दिवस मनाया है? इसका आंसर है बी, रूसी भाषा दिवस। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। यह रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में इस्तेमाल की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से यह एक है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा 2010 में इसे स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार के मुद्दे की जांच करने के लिए किस टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर है ए, जया जेटली। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व जया जेटली करेंगी और यह अगले महीने यानी 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करेगी। महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाया इसका लक्ष्य है। मौजूदा कानूनों में उपयुक्त कानून और संसाधनों का सुझाव देने के लिए और इन सिफारिशों के लिए यह योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक एक सूचना पुस्तिका का शुभारंभ किया है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर है बी, यूनेस्को द्वारा। इस पुस्तक को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत किया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 200। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जोमैटो, स्विगी और डूजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसे मंजूरी दी है और इस सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, समर ट्रीट्स किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक है। यह कोविड-19 के कारण व्यापारियों और स्वरोजगार वाले ग्राहकों
की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। HDFC बैंक का स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था और इसके संस्थापक हैं बीबू बर्गिस। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे को ACI यानी द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लैटिनम रिकॉग्नाइजेशन 2020 के लिए पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। GMR के नेतृत्व में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने कुशल जल प्रबंधन के लिए 15 से 35 मिलियन पैसेंजर प्रतिवर्ष की श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब इसमें देखते हैं, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। आठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला कचरा प्रबंध मंच, माफ करिएगा, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश औद्योगिक विषाक्त कचरे को 100% सुरक्षित निपटाने के लिए इसे लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर इसे लॉन्च किया। इसे कचरे को पुनः उपयोग रिसाइकिल रीडिजाइन अवधारणा के लिए काम करेगा यह। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 176 और विधान परिषद की सीट है 58। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, COVID-19 के कारण भारतीय खिलाड़ी हमजा कोया का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर है डी, फुटबॉल। कोया हमजा एक संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी थे जो महाराष्ट्र से खेलते थे। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? इसका आंसर है सी, अक्षय कुमार। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले में एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार हैं जिन्होंने इस लिस्ट में 52वें स्थान प्राप्त किया है और टैक्स से पहले इनकी इनकम 4.8 करोड़ डॉलर यानी 362 करोड़ रुपए बताई गई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पे हैं काइली जेनर और दूसरे स्थान पे हैं कान्ये वेस्ट। आज है 8 जून और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।